कि हम लोगों के आंखों के सामने ऐसा काफी सारे चीजें होता है जिनकी हमें कोई कदर ही नहीं होता, जिन्हें हम फेंक देते हैं, सीधा जाके कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। लेकिन फेंकने से पहले कभी भी एक बार भी सोचते हैं कि उन चीज का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी ही जरूरत की कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बाद में चल के हमारे काम में यूज हो या फिर जिंदगी भर हमारे काम में लगे। ऐसा बहुत ही कम बार सोचते हैं हम लोग। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सोचते, लेकिन बहुत कम सोचते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। वैसे तो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं ऐसे कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके जिन्हें लोग फेंक देते हैं, ऐसे कुछ चीज़ का इस्तेमाल करके मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ जो मेरे रूम को डेकोरेट करने के लिए काम में लगेगा। वैसे तो मैं ये चीज़ ऑनलाइन में खरीद सकता हूँ या फिर दुकान में जाके खरीद सकता हूँ, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। तो चलो देर किस बात की, शुरू करते इस ब्लॉग को। हाँ, बाय द वे, दिस इज अभिजय और आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो यहाँ पे कुछ कचरे के सामान पड़ा हुआ है, कुछ डिब्बा वगैरह पड़ा हुआ है, बॉक्सेस, जो जिसका अंदर का जो सामान था वो यूज हो चुका है, लेकिन इन बॉक्स को काफी लोग फेंक देते। तो चलिए इस कचरे के डब्बे से कुछ मिलेगा। हाँ, ये वाला काम में लगेगा। ये वाला भी, इस सब बॉक्सेस में जो सामान था वो यूज हो चुका है और ये सब यूजलेस है, बिल्कुल भी नहीं, ये सब यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये सब यूजलेस है। चलो इनको काम में लगाते हैं, यूज करते हैं। चलो देखो मेरे हाथ में क्या लगा है, जैकपॉट इतना बड़ा। देखो इसमें एक्चुअली वाटर हीटर था, जो हम लोग क्या बोलते हैं, गीजर बोलते हैं, गीजर ऐसा कुछ था इसके अंदर, वो तो यूज हो चुका है और ये यूजलेस है, इसके लिए फेंक दिया गया, लेकिन ये यूजलेस नहीं है। इसमें कुछ अमेजोन का प्रोडक्ट था, ये भी काम में लगेगा। और इसमें शायद पानी का जो नल था ना, नल होता है पानी का, वो था, इसको भी यूज करेंगे। चलो तो इसका कुछ पार्ट्स मैं काट दूंगा से, अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे कि ये वाला हिस्सा मेरे काम में लगेगा, ये थोड़ा यहाँ पेन भी होता है, ये वाला हिस्सा मुझे यहाँ पे थोड़ा काम में लगेगा। हिस्से को मैंने काट लिए, इन सब चीजों को इस ग्लू के साथ में जुड़ दूंगा। चलो जुड़ते हैं। आर्ट अटैक कोई देखे हो क्या? मुझे वो वाला प्रोग्राम देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब शाम को ट्यूशन रहता था तो सब खत्म होगा, ट्यूशन ट्यूशन खत्म करके घर पे आके टीवी ऑन करके बैठ जाता था, वो आर्ट अटैक वाला प्रोग्राम देखता था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी वो सब दिन है का। देखो आ गया ना इसका साचा, ये जो दो साइड है, दो साइड को किस तरीके से लगाना होगा। तो अभी इसका बेसिक जो सांचा है वो अभी रेडी हो चुका है, अब इसके ऊपर आगे काम करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये जो सांचा मैंने बना दिया है, अब इसके ऊपर मैं ये ग्लू से इन पेपर्स को लगाने वाला हूँ। अगर आपको पता नहीं कि ग्लू कैसे बनाता है घर में, तो आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारा रिजल्ट मिल जाएगा, आप उनमें से चेक कर सकते हो। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूँ कैसे बनाया जाता है घर पे। थोड़ा मैदा लो,
मैदे में थोड़ा पानी डालो, पानी डाल के उसे थोड़ा हीट दो, उसे गर्म करो थोड़ा, उसके बाद ठीक तरीके से मिक्स करो तो वो ऐसे लड्डू की तरह बन जाता है। ठीक है, बचपन में क्या होता था कि स्कूल में काफ़ी सारा ऐसा प्रोजेक्ट का काम रहता था, तो उसमें ग्लू की ज़रूरत पड़ता था, तो दुकान से थोड़ी ना बार बार इतने ग्लू खरीदने जाऊँगा, घर में मैदा रहता था, मैदे में थोड़ा पानी डालो, उसके बाद उसको गर्म करो, हो जाता है ग्लू। आसान है, ट्राई करो। वैसे यहाँ पे थोड़ा ग्लू लगाएंगे, जो मैंने अभी बनाया है ग्लू, उस ग्लू को लगाएंगे ऐसे यहाँ पे, और उसके ऊपर से हम लोग जो पेपर्स हमने काट के रखे वो सब लगा देंगे। अभी हमने क्या किया है, सबके ऊपर कागज लगा दिया है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सख्त हो चुका है, पहले से ग्लू से लगा दिया है, तो अभी कुछ देर तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, पूरा ग्लू सूख जाएगा, उसके बाद फिर से इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तो अब ये जो साँचा तैयार हो चुका है, अब उसके ऊपर मैं डिजाइन करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं ये रस्सी का यूज़ करूँगा, आप चाहो तो किसी और चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ये रस्सियों को मैं इसके ऊपर से ऐसे लपेट लूँगा। ठीक है, आप चाहो तो रस्सी की जगह पर कुछ और यूज़ कर सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। चलो आप इसको लगाते हैं ग्रुप की मदद से। तो अभी हम चेक कर सकते हो कि ये हो चुका है, मैंने इसके चारों ओर रस्सी ढक दिया है, और इसका जो अंदर है उसको मैंने पेंट कर दिया है नीले कलर से। तो चलो हो चुका है, अब सेम इसमें मैंने वही किया है, उसमें भी सेम किया है, तो अब इन सबको दीवार पे लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं। पूरा रेडी है, मैंने इसको पूरा दीवार पे लगा दिया है, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल है उसे भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मेरे कोई नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको पता चले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, लव यू ऑल।